महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच दिल्ली में शरद पवार ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। आपको सीधे लिए चलते हैं हम न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। डेटा प्रोटेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि सरकार मॉनसून सत्र में ये बिल ला सकती है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक इसके दायरे में ऑनलाइन और ऐसा ऑफलाइन डेटा जैसे बाद में डिजिटाइज्ड किया गया हो, दोनों आएगा। बिना आपकी मर्जी के आपका डेटा इस्तेमाल नहीं होगा। नए बिल के मुताबिक कोई यूजर अगर अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करता है तो कंपनी को भी उसके डाटा को खत्म करना होगा। बच्चों का डेटा इस्तेमाल करने को लेकर भी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कड़े प्रावधान होंगे। इस कानून का पालन हो इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पेनाल्टी बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए तक कर दिया गया। महाराष्ट्र में दिनभर चले सियासी घटनाक्रम के बाद अजित पवार गुट ने बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और अब अजित पवार एनसीपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इसे लेकर चुनाव आयोग में भी याचिका दी गई है। उधर शरद पवार ने कल दिल्ली में एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। मेरठ में कांवड़ियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, जिसमें होटल से लेकर मेडिकल सुविधा और पुलिस की सहायता से लेकर पेट्रोल पंप तक की जानकारी दी गई है। इस सुगम कांवड़ मेरठ मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए बस क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, जो यात्रा के रास्तों पर जगह जगह लगा होगा। मेरठ प्रशासन के मुताबिक हर साल लगभग 2.5 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर मेरठ से होकर गुजरते हैं। विश्वविख्यात केदारनाथ मंदिर में रील्स बनाने वालों पर अब ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई होगी। रुद्रप्रयाग पुलिस ने बताया कि बद्री केदार मंदिर समिति ने पुलिस से मंदिर के गर्भगृह में वीडियो बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद रुद्रप्रयाग पुलिस ने फैसला लिया है कि पुलिस की गश्त टीम रील्स बनाने वालों पर नजर रखेगी और मंदिर के गर्भगृह में किसी को भी फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में पहले से ही फोन पर पाबंदी है, बावजूद इसके सोशल मीडिया पर कई वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की शिकायत पर मंदिर प्रशासन ने पुलिस से एक्शन की मांग की। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो ने तैयारी शुरू कर दी है। इसरो ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं। चंद्रयान 3 की इनकैप्सुलेटेड असेंबली को LVM3 के साथ जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि 13 से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 लॉन्च हो सकता है।